नमस्कार, मी कविता. इंडियन टीव्ही न्यूज च्या बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत. पाहूया शहरातील ठळक घडामोडी, पाहूया शहरातील सविस्तर वृत्त न्यूज रिपोर्ट मध्ये. आयुर्वेदेच्या पारंपरिक ज्ञानाला आधुनिक वैद्यकीय तपासण्या व संशोधनांची जोड देत हृदयरोगाला माधवबाग हे आळा घालत आले आहे. माधवबाग डॉक्टर्स सामान्य नागरिकांना हृदयरोगाविषयी वाटणारी भीती नष्ट करीत अनेक यशस्वी उपचार करीत आले आहेत. अशाच डोंबिवलीमधील माधवबाग कार्डियक क्लिनिकतर्फे आजपर्यंत रुग्णांचे यशस्वी उपचार करण्यात डॉक्टर परवेश शिकलघर आणि डॉक्टर अर्चना परवेश शिकलघर हे समर्थ ठरले आहेत. यावेळी संवाद साधताना माधवबागबद्दल त्यांच्या काही प्रतिक्रिया जाणून घेऊयात. And now I am handling Madhavbagh Dombivli MIDC clinic as a clinic head. So we are handling cardiac plus diabetic, hypertensive and obese patients and giving 100% Ayurvedic treatments. Madhavbagh is cardiac panchakarma center. So we are having all over India near about 170 clinics and two hospitals. One is at Khalapur, that is at, and second is at Kondhal, that is Nagpur. We can say we are curing or we are treating type 2 diabetes. That is, it is getting reverse. Also, ischemia is also getting reverse in our treatments. We are handling CAD patients, that is cardiac coronary artery diseases, and we are giving good results with Ayurvedic, that is non-invasively we are treating the patients. Also obesity and hypertension, we are having good results. We are having we are handling three clinics. One is in Badlapur, second is sir handling in Kalyan Purva, that is Kate Manibi, and third is our new clinic, this is Dombivli MIDC clinic. We are in health industry or in Madhavbagh since 10 years, so we got one straightforward message, that is with Trisutri, that is Ahar, Vihar and Vichar. Only with diet, our exercise and our positive approach toward disease, we can hold disease in prevention mode only. If we follow all these things properly, that is Dinacharya. In English we can say circadian cycle. If we can follow that, then we will keep all diseases away from us. Vandrai Pratishtha, we all know, it handles or it gives promotion to Krushi, Ayurveda and other nursery products. So we have our stall and we checked near about 700 patients. We offer blood sugar levels and ECG to screen diabetes and cardiac diseases. We offer them, it is free of cost, to screen that Dombivlikar should be happy and should be healthy. So we offer free checkups. Actually, thanks to Vandrai Pratishtan that they give us that chance to serve Dombivlikar or people who don't know about their diseases. So I hope our journey just started with Vandrai Pratishtan and we will be with them to serve the people. Thank you. Namaskar, मी पल्लवी देशमुख, माधवबाग कल्याण पूर्वची संचालिका. डॉक्टर अर्चना मॅडम यांना वनराई प्रतिष्ठानतर्फे जे सन्मान चिन्ह मिळाले त्याबद्दल त्यांचं हार्दिक अभिनंदन. डॉक्टर अर्चना मॅडमने यापुढेही रुग्णांची अशी सेवा करत राहावी यासाठी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा. दिवाली के शुभ अवसर पर कान्यकुब्जो मंडल द्वारा स्नेह सम्मेलन आयोजित किया गया. यह कार्यक्रम मोरिया हॉल कल्याण में 17 नवंबर शाम 5 बजे से प्रारंभ हुआ. कार्यक्रम के दौरान समाज के लोग आपस में मिले. कार्यक्रम को चार चांद लगाए सुरेश शुक्ल, मीना जी और उनके टीम ने. लोगों ने प्रस्तुत किए गए संगीत का आनंद उठाया. कान्यकुब्जो समाज के ट्रस्टी अजय शुक्ल, अध्यक्ष अशोक पांडे, कोषाध्यक्ष अरविंद अवस्थी, प्रबंधक ट्रस्टी रमेश चंद्र त्रिपाठी, राज दुलारे शुक्ल, सत्यप्रकाश वाजपेयी, महेश शुक्ल, करुणा शंकर शुक्ल प्रमुख उपस्थिति के दौर पर विजय पंडित हाजिर थे. भूषण शुक्ल, राजेश अवस्थी, भूपेश शुक्ल, कमलेश शुक्ल, राजकिशोर दीक्षित, श्याम तिवारी, कमलेश शुक्ल, तिवारी भाई ओपेरा हाउस, संतोष अवस्थी, हरिशंकर त्रिवेदी, विजय शुक्ला, यशवंत शुक्ला, रामू मिश्रा, राधेश्याम अवस्थी, देवनाथ त्रिवेदी,
पीएम मिश्रा, हरिकांत शुक्ला, शिवाकांत मिश्रा, भूषण वाजपेयी, अवधीश त्रिवेदी, अतुल अवस्थी, राकेश तिवारी, राजीव वाजपेयी आदि मान्यवर उपस्थित थे। उपस्थित मान्यवरों ने अपने समाज को बचाने की और एक होने की बात कही। विजय पंडित जी ने भी कान्याकुब्ज समाज के समाज सेवा की प्रशंसा की। कान्याकुब्ज समाज वृक्षारोपण, जरूरतमंद बच्चों को किताबें, समूह विवाह ऐसे अनेक काम करते हैं। कार्यक्रम में आए लोग आपस में मिले व दिवाली के अवसर पर उन्होंने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन टीवी न्यूज। मैंने उनको कहा कि अपना प्रोग्राम है, मैं औरंगाबाद से आई हुई हूँ क्योंकि मुझे आप सभी से मिलना था, मेरी भावनाएं आप तक पहुंचाना था कि आप सब बढ़िए। आपने इतने वो बोलते ना मराठी जेवड़े उठाए बगितले की तेवड़ा मेरे से वही पर नहीं है। पण आप वो समय चला गया, हम सिर्फ जब मिलते तब बड़ी बड़ी बातें करना है, हम ऐसे हम अरे कब तक भाई, अब क्या भगवान तो नहीं आएगा हम लोगों को बोलने के लिए कि आप सब संगठित हो। मेरा जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ था अपने लोग अपनी शक्ति, मैं कंटिन्यू उसी को हाईलाइट कर रही थी, अपने लोग अपनी शक्ति। ये कब आएगी? ये लोग तो बहुत पैसा खर्चा करेंगे, सब करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं आएंगे तो ये सब व्यर्थ होगा। से आए हुए बहनें और भाइयों, इन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ये दिवाली का स्नेह सम्मेलन है, ये क्यों मनाया जाता है? आज ही के दिन श्री राम सीता लक्ष्मण जी अयोध्या में आए थे, इसलिए मनाया जाता है। आप लोगों को बताऊंगा, हम कामदूत ब्राह्मण हैं। एक चीज शायद आप में बहुत लोगों को नहीं मालूम होगी कि हमारे यहाँ दूसरी जातियों से 5 ब्राह्मण ज्यादा हैं, और उसमें से कौन कौन से हैं वाजपेयी, ये किसी में नहीं मिलते हैं, सिर्फ 5 पूज्य मिलते हैं। वो खिलाइए और उनको दक्षिणा दीजिए। इसके पहले दक्षिणा नहीं हुआ करता था, पहली बार कोई ब्राह्मण खाने को नहीं आया। जब उन्होंने दक्षिणा की बात किया तो दक्षिणा में उन्होंने क्या किया कि सरयू के उस पार का राजपाट मैं देता हूँ जो मेरा खाना खाएगा। तो उसमें से जो खाना खाने गए वो सरयू पारी हो गए, तो इधर रह गए वो कानपुर रह गए। हमारे कोटर 8 जिले हैं, हमारे 8 जिले हैं और सरयू पारियों के 32 जिले हैं। सरयू के इस पार रहने वाले सब कानपुर ब्राह्मण है, सरयू के उस पार रहने वाले सरयू पारी ब्राह्मण है। यही मैं अपनी भाषा है कि अपनी भाषा को खत्म कर दिए, इसलिए मैं यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। थैंक यू। दिवाली स्नेह मिलन मंच पर आसीन मेरे अग्रज करुणा शंकर शुक्ल जी, मुंबई से पधारे अजय शुक्ल जी, मंच पर अन्य सम्मानित विद्वज्जन, विदुषी बहनें, यहाँ पर उपस्थित भाइयों और बहनों, सूत्र संचालन कर रहे हमारे मित्र ऋषि कुमार मिश्र जी, यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार मित्र भाइयों और बहनों, आदरणीय सुरेंद्र वाजपेयी जी हैं, वाजपेयी परिवार है वहाँ पर, जगत नारायण मिश्रा जी का, विष्णु नारायण मिश्रा जी का परिवार है, देवनाथ त्रिवेदी जी का, कई लोग अवस्थी जी का परिवार है यहाँ पर रहे, ऐसे कई कान्याकुब्ज ब्राह्मण लोगों का परिवार बसता है। और जब भी कभी कोई बात आती थी कि हमारा कान्याकुब्ज समाज कुछ कर रहा है, तो दो नाम प्रमुखता से मुंबई के अशोक पांडे जी और अजय शुक्ल जी, और कल्याण से करुणा शंकर शुक्ल जी की चर्चा निकलती। तब से मेरे दिल में था कि अजय शुक्ल जी से कभी एक नज़दीकी संवाद हम लोग करेंगे, और मैंने कहा कि निगाहें मुंतजिर रहती थी जिसकी एक जमाने से, दिखाया वो क्षमा भगवान ने अपनी इनायत से। अजय जी तकलीफ तो होगी आपको आने जाने में, लेकिन कल्याण की इज्जत बढ़ गई आपके तशरीफ लाने में। कार्यक्रम का मूल हेतु सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा करना है, और बीते हुए दिनों में जो ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, एसटी एक्ट की एक्ट हो या दूसरी कोई बात हो, केंद्र में या राज्य में नौकरी का प्रश्न हो या शिक्षा का प्रश्न हो, उसमें ब्राह्मणों को बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इस सम्मेलन के उद्देश्य एक उद्देश्य बड़ा उसमें हमने रखा है, सभी
नेतृत्व करके हम अपनी लड़ाई जो सरकार से है वो करना चाहते हैं। इसके लिए लोगों को जागृत करना ये हमारा इस कार्य कानपुर मंडल की तरफ से। मैं करुणा शंकर शुक्ला और यहाँ पर आए हुए बहुत सारे कानपुर समाज सभी ब्राह्मण लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं ये इसलिए लिए सम्मेलन इकट्ठा किया कि ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, सरकार जो है वो ब्राह्मणों का ध्यान नहीं दे रही है। इसके लिए मैंने ये सम्मेलन का आयोजन किया है और इसके बहाने इसको मैं अपनी ताकत दिखाना चाहता हूँ, सरकार को बताना चाहता हूँ हमारा अस्तित्व भी है। नमस्कार, मी कविता, इंडियन टीव्ही न्यूज च्या बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत। पाहूया शहरातील ठळक घडामोडी, पाहूया शहरातील सविस्तर वृत्त न्यूज रिपोर्ट मध्ये। कोकण एकता प्रतिष्ठानतर्फे दरवर्षी प्रमाणे भव्य कोकण महोत्सव 2018 चे आयोजन 16 नोव्हेंबर ते 25 नोव्हेंबर या कालावधीत भाई पानवडीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले आहे। भव्य कोकण महोत्सव व खाद्य संस्कृतीचा भव्य उद्घाटन सोहळा रविवार दिनांक 18 नोव्हेंबर रोजी खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आले। या महोत्सवात विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असून कोकणी खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स तर गृहोपयोगी वस्तू, ड्रेस मटेरियल्स, काचेची वंडी आदी स्टॉल्सचा सहभाग असून लहान मुलांसाठी विविध आकाशपाळणे तसेच गेमिंग झोनचे पानवडीकर यांनी सोय केली आहे। 18 नोव्हेंबर रोजी श्रीदेवी भगवती दशावतार नाट्य मंडळ यांचे दशावतार नाटक, 19 नोव्हेंबर रोजी स्थानिक कलाकारांचा नृत्य आविष्कार, 20 नोव्हेंबर श्रीकांत घाडप बुवा, नितीन गावकर बुवा यांचे प्रदर्शन, 21 नोव्हेंबर रोजी खास लहान मुलांसाठी मॅजिक शो व मोफत भेटवस्तू, देवीचा पारंपरिक गोंधळ, 23 खास महिलांसाठी महाबोंडला, तर 24 सुप्रसिद्ध क्राईम पेट्रोल फेम सतीश नायकोडी यांचा होम मिनिस्टर खेळ पैठणीचा अशी या महोत्सवाची रूपरेषा आखण्यात आली आहे। या महोत्सवात दरवर्षी विविध टीव्ही कलाकारांची उपस्थिती असते, त्याचप्रमाणे ह्या वर्षी चला हवा येऊ द्या मधील भाऊ कदम, प्रेम तुझा रंग कसा, स्टार प्रवाह फेम प्रथमेश देवधर, कुशल भद्रिके, माझ्या नवऱ्याची बायको मालिकेतील शनया, सुकन्या काळन, स्वप्नील जोशी, सतीश नायकोडी आदी कलाकारांची खास उपस्थिती असल्याचे अध्यक्ष भाई बनोडीकर यांनी सांगितले। ब्युरो रिपोर्ट, इंडियन टीव्ही न्यूज। महोत्सवात मी आपले स्वागत करतो आणि आपले आभारही मानतो। या कोकण महोत्सवात लक्ष्मी मोटर्स तर्फे हा स्टॉल उभारलेला आहे आणि त्या स्टॉलमध्ये मी डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेचे प्रतिनिधी म्हणून मी मुकुंद यशवंत जोशी चीफ मॅनेजर व माझे सहकारी गणेश नाईक असिस्टंट मॅनेजर इथे उपस्थित आहोत। उपस्थित राहण्याचे कारण म्हणजे आमच्या बँकेतर्फे सध्या व्हेइकल लोनचं कॅम्पेनिंग जोरात चालू आहे। आमच्या बँकेतर्फे टू व्हीलरला आणि फोर व्हीलरला 100% फायनान्स देण्यात येतो, व्याजदर पण माफक आहेत। गेल्या 10 वर्षा या बादशाला मैदानामध्ये आम्ही कोकण एकतेच्या माध्यमातून
भव्य कोकण महोत्सव सादर करत असतो. पुन्हा याही वर्षी आम्ही भरगस्त असा कार्यक्रम या कोकण महोत्सवामध्ये घेतलेला आहे. गेल्या 16 तारखेपासून ते येणाऱ्या 25 नोव्हेंबरपर्यंत हा कार्यक्रम इथे सादर होणार आहे. 18 तारखेला कालच आपले सर्वांचे लाडके खासदार सन्माननीय श्रीकांतजी डॉक्टर शिंदेसाहेब या कार्यक्रमाचं उद्घाटन केलं. त्याचबरोबर या कार्यक्रमाला सन्माननीय राज्यमंत्री रवींद्रजी चव्हाण, राजेश मोरे, शिवसेना शहरप्रमुख, त्याचबरोबर आपले कल्याण डोंबिवली परिवहन सेवेचे सदस्य सन्माननीय परवाजी म्हात्रे असे मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. किरण मोनकरताई या कार्यक्रमाला उपस्थित होत्या. आणि या कार्यक्रमाला सर्वात आकर्षण म्हणजे आम्ही या कर्णवीर म्हणून या कार्यक्रमामध्ये परवाजी म्हात्रेसाहेब यांना पद्म आपलं कार्य त्यांना भूषित पुरस्कार देऊन त्यांना सन्मानित केलं. त्याचबरोबर अंगा हिरो यांना पण सन्मानित केलं. या महोत्सवामध्ये मालवणी कोकण महोत्सवामध्ये मालवणी स्टॉल आहे, मच्छी सुकी मासळी आहे, घरगुती जेवण आहे, ज्वेलरी आहे, कपडे आहेत, मसाले आहेत आणि लोणचं पापड. सर्व कोकणातून आलेले आमचे सर्व कोकणवासी या कार्यक्रमाचा आनंद घेत असतात. या कार्यक्रम 10 दिवसाच्या महोत्सवामध्ये आम्ही जादूचा खेळ या ठिकाणी लहान मुलांसाठी ठेवलेला आहे. मा भोंडला आहे, महिलांसाठी पैठणी आहे ह्या कार्यक्रमामध्ये आणि डबलबारी दशावतार नाटक असे विविध कार्यक्रम ठेवलेले आहेत ह्या महोत्सवामध्ये. बालनगरी म्हणून आपण तिथे लावलेली आहे, त्या बालनगरीमध्ये लहान मुलांनी त्या गेम्स तिथे आम्ही अवेलेबल मुलांसाठी केलेले आहे. तर या होत्या इंडियन टीव्ही न्यूज. तुम्हाला आमच्याशी संपर्क साधायचा असल्यास पुढील क्रमांकावर संपर्क साधू शकता, 9320420420. तर आता वेळ झाली निरोप घेण्याची. नमस्कार.